नमस्कार साथियों, DSSSB TGT कोर्स के लिए हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में विजयनगर एम्पायर या विजयनगर साम्राज्य हम शुरू कर चुके थे। याद होगा आपको, स्थापना की थी हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा भेजे गए थे। इनकी इनिशियल हिस्ट्री क्या थी, क्या इधर की साउथ की कंडीशन थी, वो सारी हमने पिछली क्लास में बात की थी। अभी जस्ट एक क्विक रिविजन कर रहे हैं हम। हरिहर और बुक्का आए 1334 के आसपास, इन्होंने इसको भेजा था, मतलब एक तरह की एक वापस उथल पुथल चालू हुई थी। हरिहर संगम मंच की स्थापना करते हैं विजयनगर को अपनी राजधानी बना के। हम्पो हस्तनिर्मितो नाम के इनके स्टेट का नाम था। इनके गुरु का नाम विद्यारण्य, सेटअप किया स्टेट अपना 1336 में। याद होगी ये सारी इंफॉर्मेशन विजयनगर साम्राज्य के नाम। हमने और डिटेल में बात की है, वो आप पिछली क्लास को रेफर कीजिए। उसके अंदर वीर बल्लाल, कृष्णदेव राय, माफ कीजिएगा, कृष्ण नायक और प्रोलय नायक वगैरह सबके बारे में बातें की है। सारी ये यहां तक आए कैसे, वो सारी बात हम करके आए। 1336 के अंदर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। तुंगभद्रा नदी के किनारे दक्षिण भारत के अंदर मेजर एक नदी है तुंगभद्रा। और उसके बाद सबसे पहले राजा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हरिहर प्रथम या हरिहर के नाम से हम इनको जानते हैं, हरिहर राजा बने। आसपास के हिंदू राजाओं को जलसी थी, इस वजह से कोई टाइटल नहीं मिला। इसके अलावा इन्होंने सबसे पहले चुना दो समुद्र तटों को, जो भी इनके पास सिक्योरिटी थी, संसाधन थे, सारे अपने राज्य की सुरक्षा में लगाए, कोई नया अटैक नहीं किया। और जब अपने अपनी स्थिति एक सुदृढ़ कर ली तो इन्होंने चुना कोंकण और मालाबार। याद आ गया होगा क्यों चुना था, समुद्री व्यापार से पैसा कमाने के लिए। और उस पैसे से एक अच्छी आर्मी खड़ी करी गई और एक तरह का एक स्थायित्व प्रदान किया गया इस नए नए साम्राज्य को। फिर मौका बना, वीर बल्लाल की मृत्यु हुई, होसला राज्य को जीत कर इन्होंने विजयनगर में मिला लिया और विजयनगर का साइज अब बढ़ गया। हरिहर की मृत्यु से पहले उसने एक और बड़ा काम किया कि माबर पे एक सफल अभियान चलाया। मदुरई के पास ही माबर था, पिछली क्लास में डिटेल में बात की थी। हरिहर के बाद अगला राजा आपको याद होगा, इसका छोटा भाई बुक्का, बुक्का राजा बना। बुक्का के राजा बनते ही कुछ विद्रोह हुए, उनको इसने सक्सेसफुली दबाया था, विद्रोह दबाए गए थे। उसके बाद बुक्का द्वारा एक तरह से शासन के सुदृढ़ीकरण के लिए और काम किए गए, केंद्रीकरण किया गया सत्ता का, थोड़ा विद्रोह दबा दिए थे। और अब एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट हुई मदुरई में, मदुरई को पूरी तरह से शामिल कर लिया। मदुरई के सुल्तान को हरा कर इन्होंने, बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य में शामिल कर लिया। टाइटल इन्होंने भी कोई नहीं लिया था। और इसके अलावा इनके समय पे एक चाइनीज राजदूत भेजा गया था, चाइना में एक राजदूत भेजा गया था इनके द्वारा। बुक्का के समय पे सबसे नोटेबल चीज जो हुई वो थी बहमनियों से दुश्मनी की शुरुआत। और वो हो गई थी क्योंकि बुक्का चाहते थे तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के बीच का जो दोआब क्षेत्र है, रायचूर दोआब जिसको बोला गया, उसको जीतना चाहते थे। ऊपर बहमनी वंश की भी उधर आंखें थी और वो भी नजरें टिकाए हुए थे, फलस्वरूप एक तरह की एक दुश्मनी के बीच बोल दिए गए। बुक्का के बाद अगला राजा बना हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय के टाइम पे टाइटल ले लिए थे इसने सारे, जिसमें से आपको याद होगा हमने पिछली क्लास में बात की थी, राज राजेश्वर का टाइटल लिया था और इसके अलावा राजाधिराज का टाइटल लिया था, और राज परमेश्वर था, माफ कीजिएगा, राज परमेश्वर और राजाधिराज के टाइटल ले लिए गए थे हरिहर द्वितीय द्वारा। इन्होंने एक तरह से विद्रोहों को दबाया शुरू में और सत्ता को थोड़ा सा एक और सुदृढ़ किया। जो ये फहरिस्त इनकी चल रही थी जो के शासकों की, उनमें अगला नाम हरिहर द्वितीय का ही था। बहमनियों के साथ लड़ाई की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी बुद्धिमता दिखाते हुए उस लड़ाई को दबाने का प्रयास किया, बहमनियों से दोस्ती की थी। बहमनियों के साथ दोस्ती, मोहम्मद शाह नाम का शासक था बहमनी, उसके साथ मित्रता की गई। लेकिन बाद में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई, उसका बेटा फिरोज शाह जब सुल्तान बना तो उसने अटैक कर दिया हरिहर द्वितीय पे, ये लोग हार गए, दोस्ती टूट गई बहमनियों से। यहां पर जो एक पॉसिबल अवॉइड की जा सकती थी एक आगे के लिए फाइट, वो अब रुक गई और दुश्मनी वापस रिन्यू हो गई। इसके अतिरिक्त हरिहर द्वितीय ने शैव मंदिर काफी बनाए थे, तो इनके शैव होने के प्रमाण यहां से मिलते हैं, शिव भक्त थे। हरिहर द्वितीय के बाद अगला राजा आया देव, ये हरिहर द्वितीय जो था, आप याद रखिएगा कि ये बुक्का का बेटा है, हरिहर का नहीं है, बुक्का का सन है।
उसके बाद अगला राजा आपको याद होगा देवराय प्रथम, कुछ मेजर काम कर नहीं पाया था, कल की क्लास में आपको बताया था, लड़की के चक्कर में बहनियों पे अटैक कर दिया, लास्ट में हार गए, अपनी एक मेजर टेरिटरी इनको दे दी थी। इसके अतिरिक्त बाद में आया वीर विजय, वीर विजय नाम का राजा जो आया तो उसके टाइम पे कुछ नोटेबल काम हुआ नहीं। अगला देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय के टाइम पे थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई सिचुएशन, हुआ ये कि देवराय द्वितीय जैसे ही राजा बना बहमनियों ने अटैक कर लिया, बहमनियों को इसने सक्सेसफुली हराया, नाम अच्छा खासा हो गया इसका। तो इसने कुछ सैन्य सुधार किए, उन सुधारों के अंदर शामिल था नए घुड़सवार भर्ती करना और उसके अलावा तीरंदाज भर्ती करना। मुस्लिम तीरंदाज अच्छे थे वहां पे उस एरिया में और घुड़सवार भी अच्छे थे, इस वजह से उनको अपनी आर्मी में शामिल किया, लेकिन बहमनियों ने बाद में इसे हरा दिया। देवराय द्वितीय के शासनकाल की यही मेजर हाईलाइट थी। इसके अलावा एक और बड़ी चीज यहाँ पे हुई थी, वो था कि एक टूरिस्ट आया था निकोलो डी कोंटी, वो इसके शासनकाल में आया। कहाँ से आया था? इटली से आया था और अब्दुल रजाक ईरान से आया था। रिवीजन आपका कंप्लीट है। इसके अतिरिक्त एक और चीज जो थी देवराय द्वितीय की, वो था कि एक अधिकारी नियुक्त किया गया था, वो थे समुद्री व्यापार का निरीक्षण करने वाले, तो उस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, सी ट्रेड ऑफिसर एक इनके द्वारा नियुक्त किया गया। देवराय द्वितीय के शासनकाल की हाइलाइट्स थी। इसके बाद संगम वंश, हम इसको बोल रहे थे हरिहर बुक्का के पिता का नाम संगम था, हरिहर वंश की का एक तरह से एंड होता है। चंद्रगिरी का सामंत था नरसिंह सुलु उसके द्वारा, वही अब आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, संगम वंश, उसके बाद सुलु वंश, फिर तुलु वंश और उसके बाद अरविंदु वंश। ये चार वंश जो थे इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की एक तरह से ये पूरी हिस्ट्री को कंप्लीट करते हैं। आज हम बाकी के जो ये तीन वंश हैं संगम के बाद के, उन तीनों के जिक्र करेंगे। सुलु वंश विजयनगर साम्राज्य का दूसरा वंश, पहला हम पढ़ चुके हैं संगम, और अब सुलु वंश के बारे में मैंने बताया। देवराय द्वितीय के बाद एक तरह से कमजोर शासक आ रहे थे, और जब कमजोर शासक आते हैं तो फायदा उठाते हैं जो आपके सामंत होते हैं, या हम जो मध्यकालीन इतिहास पहले पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने बात की थी आमिरों की सूबेदारी। यहां पे चंद्रगिरी का सामंत था, नाम था उसका नरसिंह सुलु। नरसिंह सुलु ने मौका देखा और गद्दी पे बैठ गया। चंद्रगिरी का सामंत था, इसने गद्दी हथियार ली। नरसिंह सुलु ने 6 साल तक लगभग राज किया और उसके शासनकाल में इसने विद्रोहों का सक्सेसफुली सामना किया। एक तरह से जो इनके खोए हुए प्रदेश थे, जो शासन में अव्यवस्था आई थी उसके चक्कर में, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था उड़ीसा वालों ने अटैक कर दिए थे, कुछ बहमनी कुछ टेरिटरी और ले गए थे, तो वो सारी चीजें जो पीछे अभी जो लॉस हुआ विजयनगर साम्राज्य को उसकी भरपूर्ति इन्होंने की। परिणाम ये हुआ कि नरसिंह सुलु की थोड़ी एक तरह से पॉपुलैरिटी जो थी वो बढ़ गई। नरसिंह सुलु एक दिक्कत थी कि बूढ़ा हो रहा था, इसने अपने एक प्रधानमंत्री नरसा को जिम्मेदारी दी कि इनके बेटों को ग्रूम किया जाए। दो यंग बेटे थे इनके, इनकी मृत्यु हुई, नरसा ने पूरी स्वामी भक्ति दिखाते हुए इनके बेटे तिम्मा को गद्दी सौंप दी, उसका संरक्षण भी किया अच्छे से, उसके लिए युद्ध लड़े, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन तभी नरसा की मृत्यु हो जाती है और नरसा का बेटा वापस, उसका नाम नरसिंह की है लेकिन इसका पूरा नाम है नरसिंह तुलु। तुलु नाम आ गया है, आपको समझ में आ गया होगा कि स्टोरी कहां जा रही है। नरसिंह तुलु ने तिम्मा को मारा और खुद गद्दी पे बैठ गया। वीर नरसिंह के नाम से इसको इतिहास में आगे जाना गया और इस तरह से विजयनगर साम्राज्य के तीसरे वंश की स्थापना होती है जो था तुलु वंश। 1505 ईस्वी के अंदर प्रिसाइजली तुलु वंश आया पिक्चर में। कौन था संस्थापक? मैंने बताया आपको नरसिंह सुलु, माफ कीजिएगा नरसिंह तुलु। इसको वीर नरसिंह के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बन सकता है नरसिंह सुलु भी आया है, नरसिंह तुलु भी आया है, और दो ऑप्शन आपको दे देंगे और बोल देंगे कि इनमें से वीर की उपाधि इनमें से किस शासक को दी गई थी विजयनगर साम्राज्य में, तो ये नाम इसके साथ जोड़ा जाता है। वीर जोड़ा गया है तो ऑब्वियसली बात है अच्छा लड़ा होगा, और था वो भी। 1505 से लेकर 1509 तक इन्होंने शासन किया और शासन को थोड़ी सी अब जो, क्योंकि तो जब ऐसी चीजें होती है कि आपका प्रधानमंत्री जो है उसको वो आपको मार दे रहा है, और इस तरह की चीजें पहले हो रही थी कि नरसा के समय पे तिम्मा यंग राजा था, प्रधानमंत्री की पावर्स फिर भी लिमिटेड होती है, ये राज कर रहे थे लेकिन उतना भी
तरह से अथॉरिटी से राज नहीं कर पा रहे। अब नरसिंह वीर नरसिंह एक तरह से कह सकते हैं कि एक शक्तिशाली राज प्रदान करना चाहता था विजयनगर साम्राज्य को। उसने किया भी, सबसे पहले इसने सुधार किए, कुछ शासन व्यवस्था के अंदर, कुछ आर्मी के अंदर कुछ सुधार किए गए, वो सारी चीजें हुई इनके समय पे। एक जो मेजर चीज थी वो थी कि भारत में अब एक नई और शक्ति आ रही थी, वो थे पुर्तगाली। पुर्तगालियों के साथ सबसे पहले डील करने वाले भारतीय राज्यों में से एक था विजयनगर साम्राज्य। पुर्तगाली, वास्को डिगामा, नाम सुना होगा आपने, मॉडर्न हिस्ट्री में और डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो वास्को डिगामा 1497 ईस्वी में भारत में आया, पुर्तगालियों की एंट्री हुई थी। अब बात कर रहे हैं हम 1505 से 9 के बीच की। पुर्तगाली थोड़े पैर जमा चुके थे, लेकिन इतने भी नहीं, भारत की और शक्तियों के साथ डील कर रहे थे। व्यापार के उद्देश्य से शुरू में उन्होंने जो उद्देश्य बताए थे उनमें से एक उद्देश्य व्यापार का उद्देश्य था पुर्तगालियों द्वारा भारत में। विजयनगर साम्राज्य ने उनके साथ सबसे पहले वीर नरसिंह के शासनकाल में व्यापार किया, घोड़े खरीदे गए पुर्तगाली घोड़े। तो नाम आप एक सुनोगे आगे, अल्मीडा, डी अल्मीडा पुर्तगाली गवर्नर था, उनसे ये घोड़ों की डील हुई थी। इस तरह से ये मेन स्टोरी थी तुलु वंश के सबसे पहले फाउंडर जो इनका संस्थापक था वीर नरसिंह। वीर नरसिंह की मृत्यु होती है 1509 में, तब एंट्री होती है भारत में, मध्यकालीन भारत में स्पेशली सबसे फेमस सबसे पॉपुलर राजा कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय कौन था ये बात अब हम करने वाले। कृष्णदेवराय 1509 से लेकर 1530 तक इनका शासन चला। कोई वजह होगी कि भारत के सबसे सफलतम हिंदू शासकों में इनकी गिनती की जाती है, क्योंकि कृष्णदेवराय के टाइम का कृष्णदेवराय इतना पॉपुलर फिगर था कि इसने विजयनगर साम्राज्य, जिसके बारे में बाबर, जो आप आगे पढ़ोगे, बाबर भी अपनी किताब में बोल के गया था कि विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि का उल्लेख उसने भी किया। विदेशी शासक जिसने भारत में जस्ट एंट्री की थी, अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा के अंदर लिख रहा है विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि के बारे में। कुछ तो अलग चीज होगी, इसने उस समृद्धि तक पहुंचाया था कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय को एक टाइटल दिया जाता है आंध्र भोज, एक फेमस टाइटल आंध्र भोज का टाइटल दिया जाता है। लड़ने में बहुत अच्छे थे। और एक और चीज होती है कि कोई शासक जो है वो लोकप्रियता उनको मिलती है लड़ने से, मिलती है, नो डाउट मिलती है, लेकिन जनमानस तक पहुंचने में, कि उनकी जनता में एक एक बंदा उनको जाने, वो तब जाना जाता है जब वो कल्चरल काम करें। कल्चरल काम मतलब मंदिर बनवाए या एक तरह से भवन बनाए, जनता के लिए सार्वजनिक उपयोग की चीजें बनवाए। अब भारत में आप एक तरह से कह सकते हैं कि हमने बहुत ही वीर राजा और सारे देखे हैं। राजस्थान की स्पेसिफिकली बात करें तो हमने बहुत से राजाओं को लड़ाइयां करते हुए देखा, लेकिन कुंभा, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन ना सिर्फ इसमें लड़ाइयों में, बल्कि उनका सांस्कृतिक छाप जो है वो लंबी चलती है। लड़ाई की कहानियां मैं आपको आज बताऊंगा, कल आप भूल जाओगे, लेकिन अगर वही मैंने कोई एक ताजमहल बना दिया तो आगे आने वाली पुश्तें उसको याद रखेंगी। इसीलिए राजा जो है ये इस तरह के काम करते हैं, कला के लिए, स्थापत्य के लिए काम करते हैं। कृष्णदेवराय समाज की या एक राज्य की ये नब्ज पकड़ चुके थे, बड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे, अपनी जनता के लिए काम कर रहे थे। तो कृष्णदेवराय के टाइम पे कुछ सुधार किए गए थे। छोटे भाई थे वीर नरसिंह, जिन्होंने तुलु वंश स्थापना की थी, उस तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह के छोटे भाई कृष्णदेवराय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कृष्णदेवराय द्वारा किए गए सुधारों में सबसे पहले कुछ आर्थिक सुधार थे, जिनको डिटेल में हम आगे जब इनके प्रशासनिक सिस्टम पढ़ेंगे तब उसमें आपको इसकी झलक मिलेगी। मोटा मोटी बात की जाए तो वही राजस्व व्यवस्था को इन्होंने थोड़ा सही किया, एक तरह से सेक्शंस बांटे, प्रॉपर वर्गीकरण होना जरूरी है, पावर्स फिक्स करना, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, ये सारी चीजें होती है जो सरकारें आज भी करती है, जिससे बेहतर एक आउटपुट उनको मिलता है। वो सारे काम इनके द्वारा किए गए। हाईलाइट्स क्या थी? हाईलाइट्स थी इनके द्वारा, एक तो इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी, उसका नाम था अमुक्त माल्याड़। किताब इनके द्वारा लिखी, कुछ इनके द्वारा एक मंदिर बनवाए गए थे, उसमें हजारा टेम्पल एक फेमस मंदिर है, उसके अलावा एक विट्ठल स्वामी का मंदिर है जो बड़ा ही एक पॉपुलर और जनता से जुड़ा हुआ मंदिर, बड़ा ही अपने वैभव के लिए प्रसिद्ध मंदिर।
इनके दरबार के अंदर अष्ट दिग्गज नाम के आठ, नाम से स्पष्ट होगा कि आठ दिग्गज थे अपने फील्ड के, आठ तेलुगु विद्वान थे। ये अष्ट दिग्गज अकबर के नवरत्नों के बारे में हमने सब सुना है, बीरबल को, बीरबल की कहानियां हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, उसी के पैरेलल तेनालीराम की भी कहानी आप सुने होगी आपने। तेनालीराम इसी अष्ट दिग्गज का पार्ट था। साउथ इंडिया के अंदर एक तरह से जो हमारे अकबर के नवरत्नों के कंपैरिजन में जिनकी बात की जाती है वो थे अष्ट दिग्गज। नाम आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आठों के जो पॉपुलर फिगर्स थे वो उनमें से वो हमारा तेनालीराम हो गया। बाकी के साथ जो है वो मैं आपको उसमें दे दूंगा, पीडीएफ के अंदर जो आपको दूंगा मैं उसके अंदर सारे नाम दे दिए जाएंगे आपको, अगर आपकी श्रद्धा हो तो याद कीजिए, अच्छा है, लेकिन इतना डीप में इधर नहीं पूछा जाता एग्जाम में। अगला और क्या चीज इसके समय, पुर्तगालियों के साथ वापस अब इनके बड़े भाई संबंध स्थापित कर चुके थे, पुर्तगाल ये अपने पावर्स को एक तरह से कंसोलिडेट करने के लिए ट्राई कर रहे थे भारत में, जस्ट नए नए आए थे, भारत की अपनी इधर शक्तियां थी कुछ जिनके साथ वो डील कर रहे थे। यहां पे इनको पुर्तगालियों को पैर जमाने का एक मौका दिया कृष्णदेवराय ने, इनको अलाउ किया कि आप एक फोर्ट बनाओ पुर्तगालियों के लिए, भटकाल नाम की जगह पर इनको एक दुर्ग बनाने की अनुमति दी गई। इनके द्वारा कई कई जगहों पर ऐसा भी बोला गया कि आर्मी को ट्रेनिंग और एक तरह से साझा ट्रेनिंग भी हुआ करती थी विजयनगर एम्पायर और पुर्तगालियों की, पुर्तगालियों के साथ काफी अच्छे संबंध इनके थे। डोमिगोज नाम का एक पुर्तगाली लेखक, एक टूरिस्ट विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखता है, इसके वैभव के बारे में खूब इन्होंने लिखा है। डोमिगोज नाम आपको याद रहने चाहिए, निकोलो डी कोंटी इटली से आया था, हमने देखा पीछे संगम मंच के द्वारा। अब डोमिगोज, अब्दुल रजाक भी पीछे देख के आए थे देवराय द्वितीय के समय, तो अब तीसरा ये एक और जो टूरिस्ट आया है डोमिगोज, उसकी बात। ये तो हो गई कल्चरल चीजें, विजयनगर एम्पायर को इन्होंने कल्चरल एक देन दी ही, वो एक विरासत में मिला कृष्णदेवराय के शासनकाल में, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ युद्ध किए गए थे, बड़े युद्ध किए गए थे, इनके दुश्मनों की कमर तोड़ी गई थी बहमनी साम्राज्य। कैसे वो हुआ, यूं कि अब हमारा आंध्र भोज जो था अपनी किस्मत में कुछ एक तरह से, वही बात मैंने पिछली क्लास में भी बोली थी, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, किस्मत विजयनगर साम्राज्य के साथ थी, स्पेशली कृष्णदेवराय के साथ। हुआ ये कि बहमनी विघटन हुआ, बहमनी साम्राज्य में भी आपको डिटेल में बताई जाएगी, है जब हम डिटेल में पढ़ेंगे उसको। बहमनी साम्राज्य पांच भागों में टूट गया था। ये पांच भाग कौन से थे, पांच मेजर ये थे, बिदर, इसके अलावा आप अगला देखते हो बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बेरार, ये पांच भागों में बहमनी साम्राज्य उस समय पर टूट चुका था। बचपन में सुना है हमने संगठन में शक्ति है, लकड़ी के गट्ठर वाली कहानी, जब तक इकट्ठे थे तब तक बहमनी साम्राज्य विजयनगर को आंखों में आंखें डाल के एक तरह से इनकी काफी टेरिटरीज भी लूट चुका था। लेकिन अब बात थोड़ी सी पलट रही थी और ऊपर से कृष्णदेवराय साहसी राजा था, कृष्णदेवराय ने बहमनियों के साथ एक तरह से अटैक किया मोहम्मद शाह नाम का इनका राजा था, जिसने सारी नाम का ही राजा था क्योंकि बहमनी साम्राज्य टूट चुका था। मोहम्मद शाह ने जैसे तैसे करके इनको इकट्ठा किया और इनको विजयनगर साम्राज्य पे अटैक के लिए प्रेरित किया, युद्ध हुआ, कृष्णदेवराय ने बड़े ही बुरे तरीके से इनको बहमनियों को हराया। बहमनियों को हराया तो ऐसा इस कदर कि बीजा मोहम्मद शाह ये खुद तो हारा ही, लेकिन इसके साथ जो बीजापुर था यहाँ का सुल्तान था यूसुफ आदिल शाह वो मारा गया, और वो बीजापुर जो था इनके प्रमुख एक तरह से, ये जो पांच नए वंश बने थे इन पांचों में सबसे बहादुरों में से गिना जाता था। बिदर को इन्होंने पूरी तरह कैप्चर कर लिया, फिर बाद में बीजापुर भी विजयनगर द्वारा कैप्चर कर लिया गया कृष्णदेवराय के अंदर। कृष्णदेवराय ने सीमाएं इतनी बढ़ा दी थी विजयनगर की कि अब वो श्रीलंका तक चला गया। दक्षिण भारत के अंदर इतना वैभवशाली इतिहास रखने वाला विजयनगर साम्राज्य और इसका इतना वैभवशाली राजा कृष्णदेवराय, जिसके बारे में हम किताबों में बस नॉर्थ इंडिया में स्पेशली बहुत कम पढ़ते हैं और एग्जाम में तो और भी बहुत कम,
क्वेश्चंस बहुत रेयरली मिलते हैं। चूंकि अब कंपटीशन बढ़ रहा है तो अब विजयनगर साम्राज्य जैसे जो एक तरह से इतिहास के मेजर पहलू है जो अभी तक इग्नोर किए जा रहे थे, अब उन पे ज्यादा लाइट आएगी, उनसे प्रश्न बनेंगे, इसीलिए ये पूरा टॉपिक इतना डिटेल में आपको करवा रहा हूँ। बीजापुर में भी इनके एक तरह से अधिकार क्षेत्र में आ गया विजयनगर के। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अब थोड़ी दया दिखाते हुए साम्राज्य का कुछ भाग उनके इस नाम के सुल्तान को दे दिया। बाद में उड़ीसा, इन्होंने अपने शत्रु को मारा नहीं, तो इस वजह से विजयनगर साम्राज्य में बड़ी ही एक तरह की इज्जत के साथ इनका नाम लिया जाने लगा था और आसपास एक थोड़ी इज्जत इन्होंने कमा ली थी, एक पॉजिटिव पीआर पब्लिक एक तरह से इमेज बन गई थी इनकी। और अब उड़ीसा पास का एक राज्य था, उदयगिरी का किला बड़ा फेमस था इधर, उदयगिरी के किले को इन्होंने जीता। ये इनके एक तरह से इस पूरे के पूरे इनके इस वैभवशाली इतिहास का एक और मेजर पॉइंट था। उदयगिरी का किला बड़ा फेमस किला था, बड़ा ही एक तरह से स्ट्रॉन्ग फोर्ट इसको माना जाता था, ये इन्होंने जीत लिया। लेकिन इस उदयगिरी के किले को जीतने के साथ साथ एक और बड़ी चीज हुई, वो ये थी कि विजयनगर साम्राज्य ने अब ना सिर्फ इनको हराया बल्कि यहाँ के राजा और उनकी बेटी दोनों को कैप्चर कर लिया गया। राजा और उड़ीसा के राजा और उसकी पुत्री को कैप्चर कर लिया गया, लेकिन उनको सहसम्मान वापस लौटाया गया। विजयनगर साम्राज्य के महाराज कृष्णदेव राय ने इस तरह से एक अपनी एक मतलब दुश्मनी में भी एक शराफत का परिचय दिया जब उन्होंने अपने शत्रु की बेटी को इतनी इज्जत दी। दूसरा राजा जो था उड़ीसा का राजा, वो इस चीज से इतने प्रसन्न हुए, इन्होंने दरख्वास्त की राजा से कि इनकी पुत्री का विवाह जो था वो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय से करवा दिया जाए। और कृष्णदेव राय से इनकी शादी हुई, उड़ीसा के दामाद बन गए थे बेसिकली, थोड़ा बहुत राज्य वापस लेके। अब नाम बड़ा चल पड़ा था इनका, इन्होंने बीजापुर जीता, आपने देखा बीदर जीता, उड़ीसा जीता, उदयगिरी भी जीत लिया, एक नगर बसाया था अपनी एक वाइफ के नाम पे नागलपुर, एक रानी थी इनकी नागल देवी, उनके नाम पे नागलपुर नाम पे एक नगर भी बसाया। यहां पर अब विजयनगर साम्राज्य अपनी एक तरह से बोला जाए कि अपने वैभव की पीक पे था। इसके बाद अब 1530 में जब कृष्णदेव राय की मृत्यु होती है तो डाउनफॉल स्टार्ट होता है, पतन स्टार्ट होता है। पतन कैसे हुआ कि कृष्णदेव राय के बाद अब कौन सा वंश है, ये तुलुव वंश। तुलुव वंश के अंदर अच्युत राय नाम के इनके एक छोटे भाई जो थे वो राजा बने 1530 में। अच्युत राय राजा बने, कुछ खास कर नहीं पाए। इनके बाद अगला एक और अयोग्य राजा आया सदाशिव राय। सदाशिव राय के शासनकाल की हाईलाइट ये थी कि बहुत ही अयोग्य थे और पावर जो थी अब प्रधानमंत्री की तरफ ट्रांसफर हो गई। सेना नायक भी था, प्रधानमंत्री भी था, इनका राम राय नाम था। राम राय अब योग्य था, लेकिन योग्य इंसान एक तरह से हम बोलें कि पॉजिटिव अप्रोच में रखेगा कि नहीं, ये गारंटी नहीं होती। राम राय अपने अहंकार में चूर आसपास के छोटे प्रदेशों पे बेवजह आक्रमण करता। चूंकि बहमनी साम्राज्य टूटा हुआ था तो अब इसने राम राय ने प्रधानमंत्री के तौर पे अपनी पावर्स काफी बढ़ा ली थी और उसी से इन्होंने फायदा उठाते हुए बाद में अब तो बहमनी साम्राज्य की फूट का फायदा उठाने लगे। शब्द सुना होगा आपने, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अंग्रेज आए थे भारत में, बड़ा ही शानदार तरीके से इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया, भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया, भारत के सारे जो स्ट्रॉन्ग राजा थे उनको एक कंपनी अपने इशारों पर नचा रही थी। वो खैर बाद की बात है, लेकिन यहां पे वैसा ही कुछ राम राय करना चाहता था बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में। पांच टुकड़ों में ऑलरेडी बटा हुआ था बहमनी साम्राज्य, लेकिन यहां पे अब बहमनी साम्राज्य की जीत। राम राय ने क्या किया कि ये जो बीच वाले दो आप देख रहे हो बीजापुर और गोलकुंडा, इनके साथ एक संधि थी, इनको अपने भरोसे में लेके अहमदनगर पे अटैक की योजना बनाई। योजना सफल भी हुई, राम राय के शासनकाल की हाईलाइट थी कि अहमदनगर पे इन्होंने अटैक किया, अटैक करके वहां पे पूरा का पूरा एक तरह से डिजास्ट्रस एक तरह के लिए अटैक था अहमदनगर के लिए, अहमदनगर तहस नहस हो गया।
जीतने के बाद एक बड़ी गलती राम राय द्वारा की। मैंने आपको याद होगा कि जब लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी तब बोला था मैंने, तुर्की आक्रमणकारी भारत आ रहे थे, समाज उनके हिसाब से एक तरह से अब जो पहले की नैतिकता प्राचीन भारत में हुआ करती थी वो खो चुका था। धर्म के एंगल से लोग पढ़ाने का प्रयास भी करते हैं और उस तरह से बातें भी करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे राम राय एक हिंदू राजा थे, इन्होंने अहमदनगर के अंदर मस्जिदें तोड़ी। अब क्योंकि ये समाज की नैतिकता, किसी धर्म में ये नहीं सिखाया था कि आप दूसरे धर्म को जाके तंग करो, उनके मंदिर मस्जिदों को तोड़ो, ना तो महमूद गजनवी को ये चीज सिखा के किसी ने भेजी थी, ना इधर इनको किसी ने सिखाया है। ये पर्सनल प्लेजर के लिए राजा जब दूसरे की भावनाओं से, दूसरे की एक तरह से आत्मा को आहत करने के लिए जाते हैं तो ऐसी चीजें होती हैं। इन्होंने अहमदनगर में काफी मस्जिदें तोड़ी, बीजापुर और गोलकुंडा इनके साथ थे इस अटैक में। जीत तो गए, राम राय जीत के चला गया, लेकिन हुआ ये कि अब इन दोनों को अपनी इस चॉइस पे शर्म, जो ये पांच साम्राज्य साथ आ ही नहीं रहे थे, विघटन हो चुका था, धर्म के नाम पे वापस एकजुट हुए। जो इधर अहमदनगर में मस्जिदों को तोड़ा गया वो एक तरह का मोटिवेटिंग फैक्टर बन गया इनके लिए। होता है कि जब इंसान घायल होता है, ये वो घायल शेर वाली चीजें बोली जाती है। तो यहाँ पे इनके एक धर्म बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है, हमारे लिए एक धर्म नॉर्मली निजी विषय होना चाहिए, लेकिन जब बहुत सारे लोगों का निजी विषय एक साथ कलेक्टिवली टारगेट किया जाए, मस्जिद में सारे ये जाते थे और उन मस्जिदों को जब टारगेट किया गया तो ये बड़ी प्रॉब्लम की बात थी, बाकी के लिए वो सारे यूनाइट हो गए। आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो पानीपत का जिक्र थोड़ा सा किया था, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश हम पढ़ रहे थे, वहां पे लोदियों के एक लास्ट युद्ध था पानीपत का, उसके बाद में जस्ट एक खानवा का युद्ध हुआ पानीपत के बाद। खानवा के युद्ध में एक तरह से सांगा, जो हिंदू राजा बाबर के विरुद्ध लड़ा, उसने बाकी के सारे राजाओं को यही धर्म के साथ भी एक जोड़ने के प्रयास किया। राजस्थान के सारे राजा सांगा के अधीन लड़ने के लिए आए, वजह यह थी धर्म का भी एक बैनर था उसमें, बाबर ने इसे धर्म युद्ध बना लिया था अपने आप। इस तरह से धर्म बड़ा ही टची टॉपिक होता है, सबको अपने साथ जोड़ देता है। यहां पे अहमदनगर की मस्जिदें जो तोड़ी गई वो अब दिक्कत देने वाली थी। उस दिक्कत का नाम था तालीकोट का युद्ध 1565। तालीकोट का युद्ध 1565 क्यों फेमस हुआ ये युद्ध? ये इसलिए कि विजयनगर साम्राज्य के लिए ये तरह से मृत्यु का काम किया एक पूरे साम्राज्य के लिए। क्यों ये शब्द यूज किया मैंने, एक साम्राज्य के लिए मृत्यु कैसे मिलती है, वो यहां पे आपको दिखेगा। बहमनियों के पांचों सुल्तान जो थे, पांच भागों में बटा हुआ था, हमने बात की अभी, बिदार और बेरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, पांचों के पांचों आए एक साथ, साथ में आके इन्होंने लड़ाई कर ली राम राय के साथ। पूरा का पूरा बहमनी साम्राज्य वापस एक बार फिर आया एक साथ और इन्होंने लड़ाई की। इस लड़ाई में अब दिक्कत ये थी कि राम राय, मैंने आपको शुरू में बताया, अहंकारी था और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट हो गया था, थोड़ा इसने ढील दे दी थी एक तरह से, ये पांचों एक साथ आ ही नहीं सकते। जब अहंकार के मद में चूर हो तो कोई रावण जैसा एक तरह का योग्य शासक, जो सब कुछ सारे वेदों का ज्ञाता था, इतना पढ़ा लिखा, इतना योग्य था, वो भी जब इतनी बुरी तरह से हारता है तो ये तो बहुत छोटी चीज थी। राम राय प्रधानमंत्री ही था, सुल्तान भी नहीं था, ये तो यहां का मतलब शासक भी नहीं था। तो राम राय चूंकि सब कुछ संभाल रहा था, अपने अहंकार में इसमें थोड़ी चीजें स्लो होने थी, इसकी कंप्लेसेंसी का एक तरह से रिजल्ट ये हुआ कि राम राय युद्ध में हारा, विजयनगर साम्राज्य हारा। बात सिर्फ हारने तक नहीं निकली, राम राय को पर्सनली ले जाया गया बहमनी साम्राज्य में, इनके शासकों ने इनको गला काटा, इनका अपनी प्रजा के सामने इनको बड़े ही बेरहमी से राम राय को मारा गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक तरह से इनके धर्म पे चोट दे चुका था राम राय, और अब वो उसका बदला लेने के चक्कर में, ये रिवेंज बड़ी ही खतरनाक चीज होती है, ये एक चेन चला देती है एक तरह की इनजस्टिसेस की, अन्याय की चेन इसी रिवेंज से चलती है। उन्होंने शुरुआत कर दी राम राय ने, अब बहमनियों ने बदला लेने के लिए विजयनगर साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। पहले तो राम राय को मारा गया, उसके बाद 1565 में ही इनको एक तरह से पूरा का पूरा विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी विजयनगर शहर था, ये अपने वैभव के लिए जाना जाता था, मैंने आपको
आपको बताया, डोमिगोज आया था, वो लिख के गया था इसके इस साम्राज्य की समृद्धि के बारे में। समृद्धि इतनी थी कि एक तरह से बोला जाता था कि एक बाद में इतिहासकार हुए, उन्होंने फेमस, उन्होंने बोला कि विजयनगर साम्राज्य का जो हश्र हुआ दुनिया के इतिहास में, ऐसा किसी और वैभवशाली राज्य के साथ या नगर के साथ नहीं हुआ। इतनी बुरी तरह से विजयनगर के सारे गोपुरम थे, गोपुरम और बड़े बड़े मंडप, मंडप मंदिरों को कहा करते थे, गोपुरम इनके मंदिरों के आगे बड़े बड़े दरवाजे हुआ करते थे और बड़े ही वैभवशाली होते थे। आज भी आप जाके साउथ इंडिया में टेम्पल्स विजिट करोगे तो उनकी जब आप देखोगे कि वो हिस्ट्री थोड़ी देखोगे कि कब बनाया गया था, आप अचंभा करोगे कि इनके जो टाइम, उस टाइम पे इतनी शानदार इमारतें कैसे ये बना सकते। वैसी ही बहुत सी इमारतें, बहुत से मंदिर अब तोड़े गए बदले गए आग में, बहमनियों ने पूरा का पूरा विजयनगर एक तरह से तहस नहस कर दिया। 1565 में विजयनगर की एक तरह से एकदम कमर तोड़ दी गई। याद होगा जैसे तैमूर ने दिल्ली को एक तरह से खाली कर दिया था पूरा तैमूर के आक्रमण ने, ठीक उसी तरह से इस बार बहमनियों ने विजयनगर को पूरा खत्म कर दिया। थोड़ी बहुत जो भी पावर बची उसको एक तरह से इकट्ठा करते हुए रामराय का एक बेटा था तिरुमल, उसने एक नया वंश, आखिरी वंश स्थापित किया। रामराय अलग वंश से था, ये तुलु नहीं था, आपको याद होगा। सदाशिव राय का राज चल रहा था, राजा सदाशिव राय था, उसका प्रधानमंत्री था रामराय, पीएम था। इसका बेटा तिरुमल अब यहां पे जो एक पूरा एक अंधकार बिखरा है इसके बीच में, वापस विजयनगर को एक छोटी सी एक और लाइफ देने की ट्राई करता है। अरविंदु वंश स्थापित किया गया तिरुमल द्वारा, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश अरविंदु वंश। कुछ बड़ा नोटेबल इनके शासनकाल के दौरान कुछ हो नहीं पाया, पर हुआ ये कि एक के बाद एक वीक सक्सेसर, वीक उत्तराधिकारी आते गए। प्रश्न ये बनता है कि अंतिम शासक कौन था, वो था रंग तृतीय, अरविंदु वंश का रंग तृतीय, विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक के रूप में हम जानते हैं। भारत के एक तरह से दक्षिण पार्ट का, दक्षिणी भाग का इतना गौरवशाली इतिहास विजयनगर साम्राज्य का रहा है, उसको ना पढ़ना एक तरह से थोड़ी सी इतिहास के साथ ही गद्दारी। थोड़ा ध्यान से वीडियोस को 2 से 3 बार देखिए और एग्जाम में भी आपको फ्रूटफुल होगा ये, आज नहीं हो तो इस एग्जाम में नहीं हो तो किसी और में हो जाएगा, लेकिन चूंकि कॉम्पिटिशन इतना बढ़ रहा है तो अब बहुत पुराने हो चुके हैं वो सारे प्रश्न की कुतुब मीनार किसने बनाया और इसका बेटा कौन था, उसका बेटा कौन था। अब थोड़ी सी हिस्ट्री के अंदर डेप्थ और आएगी, डेप्थ आएगी तो विजयनगर का संस्थापक हरिहर और बुक्का था, इसके अलावा आपको कुछ और चीजें पढ़नी पड़ेगी जो मैंने आपको इधर कवर कराएंगे। ये था हमारा विजयनगर साम्राज्य, खत्म हो गया लास्ट में, ये रंग तृतीय इनका अंतिम शासक रहा। अरविंदु वंश भी कुछ बड़ा काम कुछ कर नहीं पाया था और इनके लिए एक तरह से जो खतरे की घंटी जो थी वो तालीकोट का युद्ध था। तालीकोट का युद्ध भी आपको 1565 का ही तालीकोट का युद्ध आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से। विजयनगर खत्म, बहमनियों के लिए थोड़ा इतिहास और बाकी, डिटेल में हम पढ़ेंगे बहमनियों के बारे में, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हमने क्या क्या किया वो सारी बातें हम करते हैं। शुरुआत हमने की थी विजयनगर साम्राज्य का, जो हम संगम वंश का इतिहास था वो पूरा पूरा रिवाइज किया। उसके बाद सुलुभ वंश आया, सुलुभ वंश का संस्थापक कौन था, नरसिंह। नरसिंह कौन, चंद्रगिरी का सामंत, चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह गद्दी पे बैठा और बाद में अच्छे से कुछ विद्रोहों का सामना किया, थोड़ी सी एक शासन व्यवस्था वापस इंस्टॉल की, लेकिन मृत्यु हुई। मृत्यु से पहले अपने प्रधानमंत्री नरसा को बोला था कि मेरे बच्चों का थोड़ा ख्याल रखो। उसने पूरी स्वामी भक्ति के साथ उनका संरक्षक बन के रहा, पद भी दिया, तिम्मा राजा बना, लेकिन तिम्मा को मार दिया गया नरसा के पुत्र नरसिंह सुलुभ द्वारा। ये नरसिंह सुलुभ कौन था, माफ कीजिएगा, नरसिंह तुलुभ कौन था, वीर नरसिंह के नाम से जाना जाता था, तुलुभ वंश का फाउंडर। कुछ मेजर काम इसके द्वारा जो किए गए थे वो थे, एक तो शासन के सुधार और दूसरी चीज थी पुर्तगालियों से घोड़े खरीदना। इसके बाद इसका छोटा भाई, हम जो विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक की जिसकी बात करते हैं, कृष्णदेव राय यहाँ के शासक बने। हाइलाइट्स उनके टाइम की क्या थी, कुछ सुधार करवाए गए थे, आर्थिक सुधार थे जिसमें शामिल प्रशासनिक सुधार थे। उसके अतिरिक्त एक किताब इन्होंने लिखी अमुक्त माल्याड, इनके शासनकाल के दौरान नाटक भी इन्होंने कुछ लिखे, खुद तेलुगु के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, आंध्र भोज के नाम से जाने जाते थे। एक नगर बनाया था नागलपुरम नाम से अपनी रानी के नाम पर, और उसके अतिरिक्त
कुछ और मेजर पुर्तगालियों के साथ इन्होंने डील की थी उनको एक फोर्ट बनाने का, कहां पर भटकाल में एक दुर्ग बनाने की एक आज्ञा प्रदान की थी। इस तरह से इनकी ये तो थी कल्चरल अचीवमेंट्स। युद्ध के मैदान पे इन्होंने बहमनियों से लोहा लिया, बहमनी विघटन हो चुका था। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, मैं बार बार बोल रहा हूं, थोड़ा हिम्मत दिखा रहे थे तो थोड़ी किस्मत का भी साथ मिला। बहमनी थोड़े वीक हुए लेकिन फिर भी एक साथ संगठित होकर अटैक करने आए, उस अटैक को विफल किया विजयनगर साम्राज्य के महाराजा कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय ने इनको ना सिर्फ इनको ये हार कोई छोटी हार नहीं थी, इसमें बीजापुर, और पहले तो इन्होंने विदार को जीता फिर बीजापुर को जीता। रायचूर का दोआब वाला प्रदेश जिसको जीतने का सपना का बुक्का देख रहा था संगम वंश का दूसरा राजा, उसको कृष्णदेव राय ने शामिल कर लिया विजयनगर में। अल्टीमेटली रायचूर का दोआब जीता, रायचूर का फोर्ट था, एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट था वहां पे, वो इन्होंने जीता। फिर बाद में उड़ीसा पे एक आक्रमण किया, उड़ीसा में उदयगिरी का किला जीता, उदयगिरी के किले को जीतकर वहां के राजा और उनकी बेटी को बड़े ही इज्जत के साथ डील किया। एक दुश्मनी में एक शराफत दिखाई, परिणाम ये था कि दुश्मन राजा भी इतना इंप्रेस हुआ कि अपनी बेटी का हाथ इन्होंने हमारे कृष्णदेव राय के हाथ में दे दिया। कृष्णदेव राय इसके अतिरिक्त भारत की इस दक्षिण में इस छोटे से एक विजयनगर साम्राज्य को, जिसने छोटे से विजयनगर शहर में कांपिली को हराने के बाद में जीत स्टार्ट किया था हरिहर बुक्का ने, इसको इतना विशाल बना दिया कृष्णदेव राय ने कि ये नीचे भारत की समुद्री सीमाओं से पार पड़ोसी देश जो है नीचे श्रीलंका हुआ, इंडोनेशिया हुआ, वहां तक बॉर्डर तक ले गया। कृष्णदेव राय के समय पे विजयनगर साम्राज्य अपने वैभव की पीक पे पहुंचा। लेकिन हर अच्छी चीज का एक अंत होता है। विजयनगर साम्राज्य की जो ये समृद्धि थी इसका भी डाउनफॉल स्टार्ट हुआ कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद 1530 के बाद। अब इनका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, पहले अच्युत राय नाम के इनके छोटे भाई राजा बने, बाद में सदाशिव राय राजा बना जिसके शासनकाल में प्रधानमंत्री राम राय अपनी पावर एक तरह से ज्यादा पूरी की पूरी अपने तरफ खींच चुके थे, सेंट्रलाइज कर चुके थे। उनके अहंकार के चलते बहमनियों पे ना सिर्फ अटैक किए गए, उनके अंदर फूट का फायदा उठाते हुए इन्होंने अहमदनगर पे अटैक किया, वहां पे मस्जिदों को तोड़ा। धार्मिक अत्याचार जब होते हैं तो उसके परिणाम जो होंगे वो थोड़े से एक तरह से बोला जा सकता है कि लॉन्ग लास्टिंग होते, लंबे समय तक चलते हैं। यहां भी वो कि पूरा विजयनगर साम्राज्य अब इन पांचों बहमनी राज्यों के एक तरह से इनके एक बदले का शिकार हुआ, बदले की जो आग इनके अंदर थी उसका शिकार हुआ। पांचों के पांचों एक साथ आए, तालीकोट का युद्ध हुआ 1565 में, विजयनगर साम्राज्य खत्म हुआ। इतना वैभवशाली इतिहास रखते हुए इस साम्राज्य को एक प्रधानमंत्री के अहंकार की बलि चढ़ना पड़ा। इस तरह से विजयनगर खत्म हुआ। एक छोटा सा वंश अरविंदु वंश लास्ट में आया, और आया राम राय का बेटा था तिरुमल, उसने स्थापित करने की कोशिश की लेकिन कुछ बड़ा कर नहीं पाए। रंग तृतीय इनके लास्ट राजा थे। इसके साथ हमारा रिकैप पूरा। दिल्ली सल्तनत हम खत्म कर चुके थे पहले, अब विजयनगर साम्राज्य खत्म, आधा सिलेबस लगभग हम कर चुके हैं। क्लास आपको कैसी लग रही है फीडबैक में जरूर बताएं, आपके फीडबैक के हिसाब से हम इम्प्रूव करेंगे अगर जो भी हमारी कोई कमी है। आपको कोई और टॉपिक हमसे कवर करना हो तो भी बताएं, हम करेंगे पूरा दिल खोल के, पूरी एक तरह से शिद्दत के साथ उसे कंप्लीट किया जाएगा। ऐप डाउनलोड करिए स्टडी इन मोबाइल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पे अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस मैं बार बार अपलोड कर रहा हूं, तो जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।